हाय गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या प्लैंक्स, क्वांटम थ्योरी। ओके, तो इसको हम लोग कोई और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, यूज, ठीक है ना। तो इसका यूज इसलिए करते हैं ना क्योंकि इससे पहले जो हम लोग के पास थ्योरी थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक। तो ये किस चीज में सक्षम था, क्या चीज एक्सप्लेन करने में, तो ये जो था ना डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दोनों को आसानी से समझा देता था। क्या जी को डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। लेकिन ये जो था ना, ये जो थ्योरी था, ये कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, ये तीन चीज को नहीं समझा सकता था, ठीक है ना। तो इन तीन चीज को यूज मतलब समझाने के लिए हम लोग लाते हैं क्या, प्लैंक्स, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोग समझाना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये तीन चीज पढ़ने के लिए हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इस थ्योरी का जो मतलब मैक्स प्लेन ने 1901 में दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, मैक्स प्लैंक 1901 प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, या फिर इसको बोल सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो ये चीज था हम लोगों के पास। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों के पास, कि मैक्स प्लैंक जो कहते थे ना, एक मिनट इसके बारे में लिख ही देता हूँ। ओके, तो हम लोगों का ये रहा लाइंस। रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। मैक्स प्लैंक कहते हैं ये कोई भी बॉडी एनर्जी को इमिट या फिर ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली नहीं करता है, ये डिसकंटिन्यूअसली, ठीक है ना, ऑब्जर्व करेगा या फिर इमिट करेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग के पास आता है कि इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो कि ये क्या है, ठीक है ना, कि रेडिएंट एनर्जी ये क्या है हम लोगों को, ठीक है ना। तो बता देता हूँ, वी आर एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द The form of EMW, electromagnetic wave, ठीक है, electromagnetic wave के form में, और proton, ठीक है ना। तो हम लोगों के शरीर से जो energy emit होता है electromagnetic wave या फिर photon के form में, उसी को कहते हैं हम लोग radiant energy, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिए कि इसको हम लोग पुलर में क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जब मतलब पैकेट्स आ जाएंगे ना, एक से ज्यादा, तो उसको हम लोग क्वांटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं कि इसका दूसरा नियम क्या कहता था, ये रहा इसका दूसरा नियम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद द क्वांटा ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो प्लैंक्स कहते हैं जब कोई बॉडी इनर्जी इमिट करती है या फिर ऑब्जर्व करती है, मैंने क्या कहा, प्लैंक्स कहते हैं जब कोई बॉडी इनर्जी इमिट करती है या फिर ऑब्जर्व करती है, तो
तो वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये रहा, तो ये वाला एनर्जी क्या हो गया, मतलब प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एच म्यू। अब एच क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग प्लैंक्स, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग पास क्या था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, मतलब वेवलेंथ। जितना बड़ा कि जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि घर में एक रस्सी ले लेते हैं हम लोग, पास जो रस्सी होता है वो रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ना, वही फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके। तो जो फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तेज करेंगे उतना छोटा वेवलेंथ बनेगा, तो उतना ही छोटा वेवलेंथ बनेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई लैम्डा, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। तो ये चीज़ कहते हैं। अब आते हैं इसका तीसरा नियम, एक चीज़ और यहाँ पे कि एच का जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10^-34 होता है, ओके। ये होता है इसका वैल्यू, इतना चीज है। अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम पे, ये रहा इसका थर्ड पॉइंट। अ बॉडी कैन इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी ओनली इन द टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे एन का जो वैल्यू होगा एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, ठीक है ना, वो चीज़ होता है। और यहाँ पे ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया एनर्जी, ओके। ये चीज़ है। तो ये थ्योरी कहता क्या है, जब कोई बॉडी इमिट और ऑब्जर्व करती रहती है, जब कोई बॉडी इमिट और ऑब्जर्व करती रहती है तो वो एनर्जी डिस्टिंक्ट क्वांटा के फॉर्म में होती है, मतलब 1, 2, 3, 4 एक है? मतलब हमेशा अलग अलग फॉर्म में रहेगी, पैकेट्स में रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 के पैकेट में, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब कोई बॉडी इमिट और ऑब्जर्व करती रहती है तो एनर्जी का, एनर्जी जो होगा वो डिस्टिंक्ट क्वांटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं डिस्टिंक्ट क्वांटा क्या हुआ, एच न्यू हो गया, 2 एच न्यू हो गया, 3 एच न्यू हो गया, 4 एच न्यू हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या पता है, देन वी नो सी इक्वल टू, ये चीज पता है ना हम लोगों को, सी इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये चीज़ हम लोग को पता है जो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये है फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया लेमडा, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाय लेमडा हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी को यहाँ ले जाके पुट कर देते हैं, पुट करते हैं तब हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, तब हम लोगों को क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा, ओके। अब मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 हो तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एस सी बाई लेमडा। और यही होता है हम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी का सबसे मेन समरी, ओके। अब आते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन मान लेते हैं इस पर, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आते हैं। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एसोसिएट विद द फोटोन ऑफ द लाइट हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू 6000 लेमडा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनर्जी जो है एसोसिएट हो रहा है फोटोन के द्वारा जिसका हम लोगों के पास वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रम। तो हम लोग के पास फार्मूला क्या है, हम लोग के पास फार्मूला है ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का फार्मूला है, फार्मूला तो हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोगों को इस बार जो एच का वैल्यू दिया हुआ है वो अर्ग में दिया हुआ है, ई आर जी अर्ग में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10^-27 अर्ग सेकेंड, ठीक है ना, इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाता है
3 × 10⁻¹⁰। जब ये अर्ग में दिया हुआ है तो हम लोगों को सारा चीज सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है 10⁻⁸, लेकिन उसमें वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन सेंटीमीटर में लाने के लिए हमको 10 से मतलब 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁰, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो अब आता है सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। और लेमडा का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, 10⁻¹⁸, ये सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3.3 × 10⁻¹½, और बस। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, इसका हम लोग क्वेश्चन डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। और ये लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू।